अच्छा बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर टू पे। इसमें बता रहे फाद एनुअल सैलरी इज 948,000, व्हाट इज हिज सैलरी पर मंथ। फाद की एनुअल सैलरी है, सालाना सैलरी मतलब 12 महीनों के लिए उसकी सैलरी जो है वो है 948,000। तो हमने मालूम करना है कि उसकी एक महीने की सैलरी कितनी होगी, ठीक है, मतलब यूनिट रेट मालूम करना है। तो मैंने लिख लिया फाद एनुअल सैलरी और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सैलरी फॉर 12 मंथ्स, मतलब 12 महीनों के लिए उसकी सैलरी 948,000 है, ठीक है। हमने मालूम करना है सैलरी पर मंथ, वो हमें मालूम नहीं है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम मालूम करने वाले हैं। तो अब हम मालूम करेंगे कि सैलरी पर मंथ एक महीने में उसकी सैलरी क्या होगी। तो 12 महीनों के लिए इतनी है, तो एक के लिए क्या होगी, तो इसको 12 पर इसको 12 पर डिवाइड करें तो एक के लिए निकल आएगी ना, डिवीजन तो आप लोग जानते हैं। तो मैंने लिखा है सैलरी पर मंथ वो क्या है, वो हम RS 948,000 इसको 12 पर डिवाइड करेंगे। तो 12 हमारे पास मंथ्स है ना, 12 महीनों पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कि इसकी पर मंथ सैलरी कितनी है, ठीक है। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पर डिवीजन करता हूँ, आप लोग इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, टाइम को बचाने के लिए 9848123 डिवाइडेड बाई 12 हमें मिलता है 79,000। तो कितने रुपए, 79,000 इतने हो गए, ठीक है। हमने मिला मालूम कि सैलरी पर मंथ कितनी है, वो है 79,000। अच्छा, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे। इसमें बता रहे जू एंट्री टिकट्स फॉर 15 पीपल कॉस्ट 3,900, व्हाट इज़ द रेट पर टिकट। तो हमारे पास 15 लोगों के लिए जब आप टिकट्स ख़रीदते हैं जू में, तो उनकी कीमत क्या होगी, इतनी होगी, मतलब 15 टिकट्स ख़रीदने का कीमत इतना है। तो एक टिकट का कितना होगा, तो भाई इसको 15 पर डिवाइड करें तो एक टिकट का मिलेगा, ठीक है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। तो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर 15 पीपल के लिए टिकट्स का खर्चा इतना आता है, मतलब 15 टिकट्स इतने में आते हैं। तो एक टिकट कितने में आएगा, द कॉस्ट ऑफ वन टिकट हमने मालूम नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम मालूम करेंगे, तो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ वन टिकट, तो हम इसको इस RS 3900 को डिवाइड करेंगे 15 पर, ठीक है। तो जब आप इसको 15 पर डिवाइड करें, ये पूरा डिवाइड हो सकते हैं, 15 टिकट्स है, ठीक है, 15 हमारे पास पीपल है, पीपल भी बोल सकते हैं और टिकट भी बोल सकते हैं, जो भी है। तो इसको आप डिवाइड करें, मैंने डिवाइड किया, आंसर आ रहे 260, तो यार रहे 260, इसके साथ रुपीज़ भी लिख ले, तो एक टिकट कितने में आएगा, 260 रुपये में आएगा। अच्छा बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर फोर पे। इसमें बता रहे कि सेग ऑफ 50 kg ऑफ राइस इज कॉस्ट 12,000, फाइंड द रेट ऑफ प्राइस पर kg। तो हमारे पास 50 kg राइस जो है इतने में मिलते हैं, तो 1 kg कितना में मिलेगा, तो इसको 50 पर डिवाइड करें तो 1 kg का आ जाएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चन एक जैसे। मैंने लिखा द प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ राइस यही है, द रेट ऑफ प्राइस पर kg, पर kg राइस कितने में होगा, वो हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे दिए, फिर हम यहाँ पर मालूम करते द रेट ऑफ प्राइस पर kg। तो 12,000 को 1,000 को आप 50 पर डिवाइड करें तो क्या आता है, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा मूड चेंज करना पड़ता है इसका। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 50 हमें मिलता है 240, ठीक है, तो 240, तो 1 kg राइस कितने में मिलेगा, 240 में। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है। इसमें बता रहे कि सबा कवर 5 kilometers इन 2 hours ड्यूरिंग हर मॉर्निंग वॉक, व्हाट इज हर स्पीड पर आवर। तो सबा ने मॉर्निंग वॉक के दौरान 5 kilometers डिस्टेंस कवर किया 2 घंटों में, ठीक है। तो उनका हमने मालूम करना है कि उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये तो 2 घंटों में 5 है, तो 1 घंटे में कितना होगा, तो 5 को 2 पर डिवाइड करें तो 1 का निकल जाएगा ना। मैंने लिखा डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स वो क्या है, 5 kilometers। हर स्पीड, उसका स्पीड पर आवर, स्पीड उसका क्या है हमें मालूम नहीं है, तो अभी मालूम करते, हर स्पीड पर आवर वो है, हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे क्या निकल आएगा ना, तो इसको इस पर डिवाइड किया तो यह आता है 2.5 किलोमीटर्स पर आवर। 1 घंटे में वो कितना सफ़र करती हैं,
2.5 किलोमीटर्स। अच्छा अब हम आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे इसमें बता रहे हैं कि ऑयल कॉस्ट आर एस 23,944.76 लीटर्स, व्हाट इज़ द प्राइस पर लीटर ऑयल। हमारे पास जो है ना 76 लीटर्स ऑयल का कीमत जो है वो है 23,940। तो एक लीटर का क्या होगा, तो इसको 76 पर डिवाइड कर तो एक का मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ ऑयल फॉर 76 लीटर, 76 लीटर्स के लिए इतना है इसका प्राइस, फिर कॉस्ट ऑफ ऑयल पर लीटर एक लीटर के लिए कितना होगा तो वो मालूम नहीं है। हम अब मालूम करते हैं द कॉस्ट ऑफ ऑयल यहाँ पर, ओके द कॉस्ट ऑफ पर लीटर ऑयल, वो हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 315। आप लोग कर सकते हैं डिवीजन, ठीक है। तो मतलब एक लीटर ऑयल इतने में मिलेगा और 76 लीटर ऑयल कितने में मिलता है, इतने में। अब हम आते हैं क्वेश्चन सेवन पे। सेवन में बता रहे कि 12 मीटर लेंथ ऑफ फैब्रिक कॉस्ट 6,720, फाइंड द यूनिट रेट ऑफ फैब्रिक। तो हमारे पास फैब्रिक है, ठीक है, और इसमें 12 मीटर्स फैब्रिक का प्राइस जो है वो है 6,720। तो मतलब 12 मीटर 6,720 में मिलता है, तो हमने मालूम करना है कि एक मीटर फैब्रिक का प्राइस कितना होगा, उसकी कीमत कितनी होगी, ठीक है। मैंने लिखा था कॉस्ट ऑफ 12 मीटर फैब्रिक, 12 मीटर फैब्रिक का कीमत क्या है, वो यही है हमने मालूम करने है एक मीटर के लिए। तो मैंने लिखा यूनिट रेट ऑफ फैब्रिक, मतलब एक मीटर के लिए, यूनिट रेट हम एक मीटर को बोलते हैं ना, एक के लिए जो हम फाइंड करते हैं, तो वो मालूम नहीं है यहाँ पर मालूम करते हैं, तो सीधा इसको इस पर डिवाइड करें तो आसान चीज़ है। इसको मैंने इस पर डिवाइड किया, आंसर क्या गया 560। तो मतलब एक मीटर इतने रुपये में मिलता है और 12 मीटर इतने में मिलते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।